मैंने सोचा था इस रूप में मुझे मदद मिलेगी, लेकिन यहाँ कुछ और ही हो रहा है। बहुत हुआ, अब मुझे सच बताना ही होगा। किसी और को ना सही, लेकिन शिवानी को तो बताना होगा कि मैं ही त्रिशूल हूँ। उसे बताना होगा कि स्वामी जी के कहने पर त्रिशूल होने के बावजूद सच्चाई छुपाने के कुछ कारण थे। शिवानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इतने दिनों से इज्जत से बात करने वाला आज ऐसे बात कर रहा है मुझसे? इसके असली इरादों का पता चल रहा है। तुम सोच रही होगी कि इतने दिनों तक मैंने तुम्हें शिवानी जी कहा, लेकिन अचानक अब मैं शिवानी क्यों कहकर बुला रहा हूँ? तुम्हें ऐसे बुलाने का अधिकार इस पूरी दुनिया में सिर्फ मुझे है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपकी असलियत सामने आ जाएगी, इस डर से ऐसा बोल रहे हैं ना? मुझे सब समझ में आ रहा है। तुमने सही बोला शिवानी, ये मेरा असली चेहरा नहीं है। आज मैं मेरी असलियत तुम्हें बताना चाहता हूँ। कहते हैं प्यार करने वाले जब करीब होते हैं तो उनके प्यार की गहराई का पता नहीं चलता, लेकिन जब आपका प्यार आपके नजदीक हो और आपके प्यार को ना बता पाने का जो दुख होता है, वो फीलिंग मौत से भी बदतर होती है। मैं अब मर कर जी रहा हूँ शिवानी। आपकी बात का क्या मतलब है? ये सिर्फ मेरी बात नहीं है शिवानी, ये मेरे प्यार की बात है, मेरे दिल की बात। तुम्हारा पति त्रिशूल, तुम्हें उसके बिना कैसा महसूस हो रहा है मैं अच्छे से जानता हूँ। उस दर्द को देखने के बाद मैं चुप बैठूं इसका कोई मतलब नहीं है, और आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। शिवानी, मैं ही शिवानी। तुम मेरे साथ चलो। क्यों? तुम त्रिशूल तो क्या किसी का भी पता नहीं लगा पाओगी। तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रही हो। कौन गलत है कौन सही है मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो शिवानी। इसने आखिरी क्षण में आकर सब बर्बाद कर दिया। क्या बात है मालिक, आप ऐसे देख रहे हैं जैसे आप मुझे पहली बार देख रहे हो। देख कर लगता है कि इस वफादार की पूंछ हिलेगी, लेकिन ये सांप से कम नहीं है, मौका देखते ही डस लेगा। जानते हो, दुनिया में ऊपर वाला तो बदल सकता है, लेकिन तुम कभी नहीं बदलोगे। वेरी गुड, तुम्हारी नियत, तुम्हारी वफादारी से बहुत कुछ सीखना है मुझे। अरे आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी मालिक। जो सच है वही बोल रहा हूं। नंदीश, आज के जमाने में कौन कैसा है ये बताना बहुत मुश्किल है। साथ में रहने वाले ही कब हमारा गला काट दें इसका पता नहीं होता। अरे भरोसा नहीं होता लोगों पे। कई बार मैं जब आईने के सामने खड़ा होता हूँ, लगता है कि मेरा रूप भी मुझे धोखा दे रहा है। ये क्या मालिक, आज आपकी बातें, आपका नजरिया सब अलग लग रहा है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपको कोई धोखा दे रहा है तो बताइए, मैं अपनी जान पर खेल कर भी आपकी रक्षा करूंगा। यही तो मेरी जिम्मेदारी है ना। मैं भी इसी विश्वास के साथ जी रहा हूँ। तुम मेरे लिए और तुम्हारे लिए मैं, सच तो यही है। इन्हीं हाथों से एक दिन तुम्हारी मृत्यु होगी दिग्विजय। तुम्हें मारना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। मेरे हाथों एक बार नागमणि लग जाए, फिर तुम्हें मरना होगा। तुम्हें मरना ही होगा। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुमने पूछा था कि नाग माता पर किसने प्रहार किया, और तुमने ये भी कहा कि वो मैं थी, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अब मैं जान चुकी हूँ, और अब तुम अपनी आँखों से वो सच देखोगी। बात क्या है, साफ साफ बताओ। शिवानी,
जब तुमने मुझ पे शक किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। तभी मैं नागेश्वर का ध्यान करने बैठ गई। तब उसने मुझे एक मार्ग दिखाया। कैसा मार्ग? घटी हुई घटनाओं को दिखाने वाला एक आईना। उसमें नाग माता पर जिसने प्रहार किया उसका चेहरा दिखेगा। हमारी नाग माता पर प्रहार करने वाले को जीवित नहीं छोड़ सकते। उससे मैं अभी मार कर आती हूँ। माया रुको, उसकी मृत्यु तो मेरे हाथ में होगी। जाओ जाओ शिवानी, जाकर आदिशेष से युद्ध करो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसके बाद आदिशेष मुझे मिल जाएगा। गुरुजी, कृपा करके आप मेरी परिस्थिति समझिए। मुझे मेरा शरीर वापस लौटा दीजिए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि एक शुद्ध शक्ति ने तुम्हारे शरीर को एक माया कवच में बंदी बनाकर रखा है। जब तक वो माया शक्ति खत्म नहीं हो जाती, तुम्हें तुम्हारा मूल रूप नहीं मिल सकता। नहीं गुरुजी, अब और नहीं सह सकता। मैं सच बता दूंगा, नहीं तो परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मैं शिवानी को बता दूंगा कि मैं ही त्रिशूल हूँ। नहीं त्रिशूल, रुक जाओ, ऐसी भूल मत करना। इस भूल से सिर्फ तुम्हारे जीवन का चयन नहीं, बल्कि तुम्हारे चाहने वाले, जिनका तुम पर विश्वास है, उन सब का जीवन नष्ट हो जाएगा। अभी तुम्हें लोक कल्याण का एक कार्य करना शेष है, इसीलिए तुम्हें उस लोक से इस लोक में भेजा गया है। जब तक तुम्हें कोई आज्ञा न मिले, तुम्हें इसी रूप में रहना होगा। नहीं स्वामी जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैं मेरी पत्नी को तो सच बता सकता हूँ। नहीं, ऐसी भूल मत करो। सारी परेशानियों के अंत का समय आ गया है, अब ये भूल मत करो। हे भोलेनाथ, आपके इस अंश को इतनी आतुरता क्यों है? जय भोलेनाथ। स्वामी जी, स्वामी जी, दिग्विजय को कहीं मुझ पर शक तो नहीं हो गया? क्या इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा था, या इसके पीछे कोई और कारण हो सकता है? कहीं उसे ये शक तो नहीं हो गया कि त्रिशूल मेरा बेटा है? अगर ऐसी बात है तो खतरा सिर्फ मुझे ही नहीं है, त्रिशूल को भी हो सकता है। कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं मैं? अभय, आपको मेरे सवालों का सही सही जवाब देना होगा। आपको वो जगह याद है? वही जगह है जहां नाग माता गिरी थी। यहीं पर आप दौड़कर आए थे। जब दौड़कर आए थे तब वहां क्या हुआ था, मुझे सच सच बताइए। नाग माता के साथ आपने क्या किया वो बताइए। शिवानी, ये तुम क्या कह रही हो? नाग माता गिरी थी ये सच है, लेकिन मुझे तब पता चला जब ये तुमने मुझे आकर दिखाया। झूठ बोलना बंद कीजिए। सच छुपाकर बहला फुसलाकर आप मुझे नहीं भटका सकते। शिवानी देखो, जो सच है मैं वही कह रहा हूँ। तो फिर ये क्या है? ये सारी चीजें मुझे वहीं पर मिली जहाँ नाग माता बेहोश हुई थी।
नाग माता को आपने मारने की कोशिश की है साबित करने के लिए इतना सबूत काफी है। आपने कहा था ना कि अपराधी जरूर कोई सबूत छोड़कर गया होगा, मतलब ये सबूत आपके हैं। इस लोग के लिए ये सबूत शायद काफी नहीं होंगे, लेकिन मंत्र आईने में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको नाग माता को मारने की कोशिश करते हुए। शिवानी, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वो मैं नहीं था, मेरे जैसे दिखने वाला कोई और था। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। शिवानी, यकीन करो मैं सच बोल रहा हूँ। एक बात जानती हो, मैं यहाँ तुम्हें क्या बताने लाया था तुम ये जानती हो? मैं तुम्हारा पति त्रिशूल हूँ। मेरे पति त्रिशूल का नाम लेने लायक भी नहीं हो। आपने पहले बताया था कि आप त्रिशूल को ढूंढने यहाँ आए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि आप खुद मेरे पति त्रिशूल हो? आप मेरे पति त्रिशूल हो ही नहीं सकते। दिग्विजय, नागमणि इसी लोक में है, उसमें नागिन की शक्तियां समाई हुई है। यदि उसे प्राप्त करना है तो आदिशेष की शक्तियां मिलानी होगी, इसीलिए मैं पूजा कर रहा हूं। गुरुजी, जब मैंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया तब मुझे पता चला कि आदिशेष यही कहीं किसी प्रांत में है, मगर पता नहीं वो कौन है। तुम में शक्तियां हैं दिग्विजय, लेकिन उन शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है ये युक्ति तुम में नहीं, इसलिए तुम बार बार हार का सामना करते हो। तुम कौन हो, तुम्हारे पीछे कौन सी शक्ति है, और तुम्हारी उपासक शक्ति क्या है? इसका ज्ञान प्राप्त किए बिना इसे पूजा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। गुरुजी, मैं अपनी सारी शक्तियाँ आपको अर्पित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे पूछे मत कि मैं कौन हूँ। पहले ये पता चलना चाहिए कि आदिशेष कौन है, उसके बाद आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ज्यादा विचार मत करो दिग्विजय, जब तक सब पता नहीं चलता तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है। गुरुजी, क्या पूजा करने से आदिशेष कहाँ है इस बात का पता चल जाएगा? अवश्य, ये अंतिम पूजा है, इस पूजा को समाप्त करने के बाद आदिशेष का अंत निश्चित है। ओम गरुड़ देवाय नमः, ओम गरुड़ देवाय नमः, ओम कुंकुमांकित वर्णाय कुंदेन्दु धौलाय च विष्णु वाहन नमस्तभ्यं पक्षीराजाय नमः। गलती करके आप फंस गए हैं, और अब उससे कैसे बचा जाए यही सोच रहे हैं ना आप? प्लीज शिवानी, सच्चाई क्या है ये तुम्हें कैसे समझाऊं उसके बारे में सोच रहा हूँ। सच्चाई मैं खुद देख चुकी हूँ। अब है नाग माता को जिसने तकलीफ पहुँचाई हो उसकी मृत्यु पता है कैसी होनी चाहिए? बहुत ही भयानक घोर मृत्यु होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे सच्चाई जाननी है कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, और तुम्हारे पीछे कौन है। शिवानी, मेरी बात तुम समझ क्यों नहीं रही हो? असलियत जानने के बाद इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। सच बताओगे तब भी तुम्हारी मृत्यु होगी, झूठ बोलोगे तो भी तुम्हारी मृत्यु होगी, पर सच बताकर अगर मर गए तो अगले जन्म में ऐसी ही अवस्था में जीना नहीं पड़ेगा तुम्हें, इसलिए बताओ कौन हो तुम? शिवानी, मैं तुम्हें सच बता भी दूं तो तुम उस पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन एक बात तो सच है, मेरी वजह से नाग माता को कोई तकलीफ नहीं हुई। जब भी मैं उन्हें देखता था मुझे मेरी माँ की याद आती थी। ऐसे इंसान को मैं चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? लगता है तुम आसानी से जवाब नहीं देने वाले। मेरे अपनों को चाहे कोई भी तकलीफ दे, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इतना पूछने के बाद भी तुम जवाब नहीं दे रहे हो ना? अब मैं चुप नहीं रहूंगी, तुम जीवित नहीं रह सकते।
बोलो कौन सी शक्ति का प्रयोग किया था? तुम्हारे अंदर कौन सी शक्ति है? किस मंत्र का प्रयोग किया है तुमने? बताओ, बताओ तुम कौन हो? शिवानी, मैं इस भूल से सिर्फ तुम्हारे जीवन का चैन नहीं है, बल्कि तुम्हारे चाहने वाले, जिनका तुम पर विश्वास है, उन सब का जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी असलियत तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन इतना पता चल गया है कि तुम दुष्ट हो। नहीं, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकती। शिवानी, ओम तत्पुरुषाय विदामहे, स्वर्ण पक्षाय धीमहि, तन्नो गरुड़ प्रचोदया, तन्नो गरुड़ प्रचोदया। गुरुजी, ये महाशोधक है, यानी हमारा शत्रु आदिशेष पृथ्वी के किसी भी कोने में है, उसे ढूंढने वाला मायावी है ये। गरुड़ देव की कृपा से ये शक्ति प्राप्त हुई है। चलो दिग्विजय, हम मार्ग शोधक का पीछा करते हैं। शिवानी, शिवानी प्लीज रुक जाओ, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन लोगी तो गुस्सा दूर हो जाएगा। नहीं हो सकता, मेरा गुस्सा और प्रतिशोध अब दूर नहीं हो सकता। मेरी प्रतिशोध की ज्वाला में तुम जलकर भस्म हो जाओगे, क्योंकि तुमने इतना बड़ा पाप किया है। शिवानी, शिवानी प्लीज, शिवानी मेरी बात सुनो। सच का पता लगने ही वाला है, अभी ऐसा कुछ मत करो, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? आज से तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है। शिवानी, शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो। शिवानी, शिवानी प्लीज शांति से एक बार मेरी बात सुन लो। अगर मैं और शांत रही तो ना जाने और क्या क्या नष्ट हो जाएगा। शिवानी प्लीज, शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। वो है आदिशेष और वो नागिन, दोनों के बीच आखिर हुआ क्या? ये क्या गुरुजी, पहले तो ये पूरा जंगल घूम रहा था और अब ये रास्ते में ही रुक गया, क्यों? सबका संगम हो रहा है। मतलब? सब अंत होने वाला है दिग्विजय, ये अंतिम युद्ध का समय है। जीतने वाले को जीवन और हारने वाले को मृत्यु। चलो दिग्विजय। मधुमति, एक बड़े ग्लास में एप्पल जूस लाओ। माँ, छोटे चाचा जी, सब लोग जल्दी यहाँ आइए। शिवानी, क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हुई हो और यहाँ सबको बुला रही हो? क्या समस्या है बेटी? जब समस्याओं का समाधान देने के लिए घर पर आने वाला ही समस्या बन जाए तो उसे इस घर से निकाल देना चाहिए, इसलिए मैं आप सबको बुला रही हूँ। शिवानी, मैं कुछ समझी नहीं बेटी, तुम किसके बारे में बोल रही हो? ऐसे भी क्या बात हो गई? इस इंसान के बारे में। ये यहाँ इस घर में क्यों आया है? जब से इस घर में आया है तब से इस घर में सिर्फ समस्याएं ही आ रही हैं। क्या कोई समाधान मिला? नहीं मिला ना? क्या बात है शिवानी, कहीं तुमने इसके साथ झगड़ा तो नहीं किया ना? अभय, कहीं तुमने तो झगड़ा नहीं किया ना शिवानी के साथ? ये क्या है माँ, न जाने कहाँ से आए इस अनजान के साथ इस तरह बात कर रही हैं? जैसे ये आपका पोता हो। जब से इस घर में समस्याएं आई हैं, इस सब की वजह सिर्फ यही है माँ। शिवानी ने बिल्कुल सही कहा है, जो समस्या को हल करने आया था वो इस घर की समस्या बन गया है। माँ, इसे घर में रहना चाहिए क्या? अभय, आखिर तुम यहाँ हमारे घर में क्यों आए थे
और तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? कहा था कि तुम्हें कुछ भी करना पड़े पर त्रिशूल को ढूंढ के रहोगे, लेकिन इतने दिन हो गए और तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। ये सब होने के बाद शिवानी का सवाल पूछना सही है बेटा? माँ देखिए, बात ऐसी नहीं है, हर चीज का एक समय होता है। समय? कैसा समय? हाँ, यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि सबके मरने के बाद हमारा त्रिशूल वापस आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें खुशी मिलेगी। बोलो, इस घर में आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सर प्लीज, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। चुप रहो। तुम जिस दिन इस घर में आए उसी दिन मैंने प्रूफ किया। आधी रात को जब तुम शिवानी के रूम में घुस रहे थे, मैंने तुम्हें रोक कर घर से बाहर निकाला था, तुम्हें याद है ना? सब लोग तुम्हारे सपोर्ट में थे और मुझे गलत ठहराया गया और तुम्हें इस घर में रहने का मौका दिया। लेकिन इस बार शिवानी तुम्हें गलत ठहरा रही है, तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। गेट आउट। लेकिन सर, आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। hey! गेट आउट बोलने के बाद भी अगर बोलता रहा तो मुझे पता है क्या करना है। चाचा जी, मेरी बात। hey! कौन है? कौन है तेरा चाचा? तू मुझे चाचा कहकर बुलाएगा और मैं तुझे गले लगा लूंगा? हाँ, अरे कौन है रे तू? क्या कर रहा है यहाँ? चल निकल यहाँ से। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर मैं यहाँ से निकल गया तो इस घर पर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। ओहो, इस घर को बड़ी समस्या से बचाने के लिए सुपर हीरो आया है। ए, तुझे हमारी बात समझ में नहीं आती क्या? निकल, निकल यहाँ से। देखिए मिस्टर धनंजय, आपके कहने पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं डिपार्टमेंट से आया हूँ इस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बिना कारण के आप मुझे नहीं निकाल सकते। पहला कारण, तू यहाँ कुछ नहीं कर पाया अब तक। शिवानी के कमरे में रात को घुसने की कोशिश की तूने, ये दूसरा कारण है। और जब से तू इस घर में आया है, तू सबको डिस्टर्ब कर रहा है। और ऊपर से शिवानी का हाथ पकड़ के तूने शिवानी के साथ मिसबिहेव किया। इतने कारण काफी हैं या और कारण दूं तुझे? गोविंद। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, ये तो मेरा घर है। मेरे घर में आदिशेष कैसे हो सकता है? शायद इतने दिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। क्या आदिशेष नागिन को देखने के लिए बाहर आया होगा, या फिर शत्रु का संहार करने आया होगा? मार्ग शोधक, अब तुम जा सकते हो। जब आवश्यकता होगी तुम्हें बुला लूंगा। दिग्विजय, आदिशेष तुम्हारे घर के अंदर है ये पता लग गया। वो कौन है और किस रूप में है ये तुम्हें पता लगाना है। वो इस घर का सदस्य है या कोई बाहर वाला है? पता नहीं, वो कोई भी हो सकता है। अब तुम्हें सबसे पहले ये काम करना होगा, सब पर नजर रखनी होगी। अगर किसी पर भी शक हुआ तो मुझे आकर बताओ। बस इतना ही ना? इतना ही तुम्हारा लगेज है ना? अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बचा है तो 5 मिनट में उसे लेकर यहां से निकल लो।
खड़े खड़े तुम मुंह क्या देख रहे हो? मैंने कहा जाने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। अब जाओ, हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। ओके। आज मैं आपसे जो भी कहूंगा आप नहीं समझेंगे, और उसे समझाने की शक्ति मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ना एक दिन आपको सच जरूर पता चलेगा, और उस दिन आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। और जब यह पता चलेगा आपको बहुत दुख होगा। ऐसा ना हो इसीलिए मैं यहां रह रहा हूं। जब मुझे चाहने वाले ही मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं तो मैं यहां नहीं रुकूंगा। जो बुरा है वो टल जाए और जो अच्छा है वो यही रहे। बहुत ही जल्द मुखौटे के पीछे छुपे चेहरे सामने आए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। शिवानी, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है क्या? तेरे ये सेंटिमेंट्स यहां काम नहीं करेंगे। चल निकल। चल रहे हैं शुद्धिकरण चल रहा है। कुछ लोग हैं जो इस घर में जबरदस्ती घुस आए हैं। हम उन्हें एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं। आज इसकी बारी है। वैसे कुछ और लोग भी हैं जिनका नंबर बहुत जल्द आएगा, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया इसीलिए वापस जा रहा है। ओहो, काम खत्म हो गया मतलब त्रिशूल और रीना लौट आए हैं? या फिर मेरे 5 जो करीबी दोस्त थे, क्या उनका कातिल पकड़ा गया? अगर इनमें से कोई भी काम खत्म नहीं हुआ तो फिर ये क्यों इस घर से जाएगा? मिस्टर धनंजय, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो ये कहीं बाहर जाए और अपनी इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करे। ऐसे इंसान का इस घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह, ऐसा बोलने वाले तुम होते कौन हो? ये घर मेरा है और तुम मेरे भाई हो, मेरे पिता नहीं। कोई भी मेरे खिलाफ हुआ तो चीर कर रख दूंगा। अबे, ये पुलिस ऑफिसर है और ये हमारे घर की समस्याओं का पता लगाने आए हैं। एक तो हमारे घर का बेटा गायब हुआ और दूसरी बेटी। अरे, आपको तो इसका सपोर्ट करना चाहिए, और आप इसे घर से बाहर निकाल रहे हैं क्यों? ये यही रहेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। कोई सवाल नहीं। ए, कौन हो तुम? आओ नागिन, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। पहले बताओ कि कौन हो तुम? ए ऊपर वाले, मैं तुम्हें बार बार बता के थक चुका हूँ, लेकिन तुम अब तक नहीं थकी। मैं जानती हूँ कि तुम दिग्विजय तो नहीं। ओहो, कैसे? अभी अभी तो ये साबित हुआ है। बाहर से अभय इस घर में आया है और उससे घर को खतरा है, इसलिए हम लोग उसे यहाँ से निकाल रहे थे, लेकिन तुमने उसे रहने दिया। मतलब घर वालों को कोई तकलीफ हो इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना?
जब तक चिता पर न लेटो तब तक चिंता लगी रहती है। मैं उसे ही जीतने निकला हूँ, तो फिर इन घर वालों की चिंता से मुझे क्या परेशानी होगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन अभय यहाँ है तो सभी सेफ हैं, यही बात बोलती थी, और अब तुम उसे इस घर से बाहर निकालना चाहती हो? क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह एक द्रोही है, इसलिए उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तुम महान शक्तिशाली हो, तुम्हारी पूंछ के झटके से उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो तुम उससे बच्चों की तरह डील क्यों कर रही हो, और तुम उसे घर से बाहर भेजना क्यों चाहती हो? मैं जानती हूँ उसे इस घर में भेजने वाले तुम ही होगे, वो तुम्हारा ही आदमी है ना, और तुम दोनों मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हो। एक बात याद रखना, तुम दोनों की मृत्यु मेरे ही हाथों होगी। नागिन मेरी एक बात सुन, पहले ये जो मृत्यु है ना, मेरे सामने आने से कतराती थी, और अब उसे मुझसे डर लगता है। जब तक मेरा भय कायम रहेगा तब तक तुम तो क्या, तुम्हारा पूरा लोग भी आ जाए मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तुम्हारे हाथों से मेरी मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें मारूंगा, यही सत्य है। जब मृत्यु निकट होती है तो सब ऐसे ही बातें करते हैं। मैं भी अंतिम युद्ध के लिए तैयार हूँ, हम देख लेंगे कि किसकी मृत्यु किसके हाथों होती है, समझे तुम? मृत्यु को मैंने अपना सेवक बना लिया है, मैं जिसे दिखाऊं वो उसे ही मार डालेगा, मेरा पालतू है वो। अब कोई सेवक भला अपने मालिक को क्यों मारेगा, सोचो जरा। कौन है ये और वो अब है, दोनों एक ही झुंड के हैं क्या? बहुत दुख हो रहा है ना छोटे जीजा जी, नहीं मतलब जो इंसान 2400 घंटे हम पर निगरानी रख रहा हो, उसे जब आप घर से निकाल रहे थे उतने में कहीं से तो बड़े जीजा जी आ गए और सारा प्लान चौपट कर दिया। ये सब कुछ देखकर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आप इस घर में क्यों हो? मुझे ऐसा क्यों लगेगा कि ये मेरा अपना घर है? वो कहते हैं ना, चींटी मेहनत करके अपना घर बनाती है लेकिन सांप उस पर अपना राज चलाता है। मेरी यही हालत है इस घर में, बाहर के लोगों को हम अपने सर पर चढ़ा लेते हैं। वो पुलिस ऑफिसर है ना, तो उसकी इज्जत हमें करनी चाहिए। वैसे आप क्यों इतने गुस्से में हो जीजा जी, बिना किसी कारण किसी को घर में रहने क्यों देंगे? माना मैंने उसे इस घर से निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके पीछे कारण था, वो कुछ पता करने आया था लेकिन अब तक कुछ नहीं किया उसने। वो शिवानी का हाथ पकड़ के उससे मिसबिहेव कर रहा था, मैंने देखा। मुझे लगता है कि ऐसे इंसान को इस घर में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैंने उसे निकालने की कोशिश की लेकिन उसने आकर सब बिगाड़ दिया। मालिक ने एक बार फैसला कर लिया तो हमें उसे मानना ही होगा, उनसे सवाल नहीं कर सकते। वो मालिक नहीं है, इस घर का असली मालिक तो मैं हूँ, बस मेरा रूप लेकर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पुलिस वाले के साथ मिलकर वो कोई प्लान बना रहा है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो कौन है, कहां से आया है, उसका उद्देश्य क्या है, मुझे इन सारी बातों का पता लगाना ही होगा, फिर देखता हूं कैसे बचता है। क्या वो आदिशेष हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ये तो दिग्विजय है और मैं उसके रूप में हूं, ये यहां रह भी नहीं सकता और यहां से जा भी नहीं सकता। वो तो बस इसी तड़प में है कि मुझे घर से निकाल दे। तो फिर आदिशेष आखिर है कौन? नहीं नहीं, आदिशेष तो महाशक्तिशाली है और ये एक छोटा सा चोर है। अब बचे मायांगिनी, शिवानी, नंदीश, और इनमें से कौन होगा आदिशेष, पता लगाना होगा, लेकिन पता कैसे लगाऊं?
हाय यंग मैन। थैंक यू सर। थैंक्स क्यों, क्या किया मैंने? मुझे इस घर में जगह देने के लिए। जानना चाहते हो इस घर में क्यों रोका तुम्हें? इस घर में मेरा एक शत्रु है, और वो कौन है ये तुम पता लगाओगे। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ देखो, इन सभी लोगों में से मेरा एक बहुत बड़ा शत्रु है, और वो कौन है तुम पता लगाओ। कर पाओगे? ठीक है सर। गो गो एट। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? इनका शत्रु कौन हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो अभय अच्छा नहीं बुरा इंसान है, ये बात घर वालों को बताई और उसे घर से निकालने की कोशिश भी की, लेकिन वो दिग्विजय बीच में आ गया। इसका क्या कारण हो सकता है? शिवानी, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी प्लीज, शिवानी 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 मेरी बात सुनो, शिवानी प्लीज, शिवानी शिवानी प्लीज, बस एक बार मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। क्यों सुनो तुम्हारी बात? कौन हो तुम? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें यही जलाकर भस्म कर दूंगी। तुमने किसी माया जाल में बांध के रखा है ना मुझे? सही कहा, मैं और तुम बंदी बन चुके हैं, लेकिन माया जाल में नहीं, भावनाओं में। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा उद्देश्य जानती हूँ। नाग माता को तुम यहाँ इस घर में लेकर आए, और उसके बाद तुम ही ने उन्हें तकलीफ दी, और दिग्विजय भी तुम्हारा साथ दे रहा है। मैं सब देख रही हूँ। समझ में आ गया कि तुम कोई मनुष्य नहीं, मायावी हो, और यहाँ गलत इरादे से ही आए हो, है ना? उस दिग्विजय ने तुम्हें यहाँ रोक कर रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत गए हो। तुमने नाग माता को जो तकलीफ दी है ना, उसका बदला मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। अभय, शिवानी मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने नाग माता को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। झूठ को हजार बार बोल देने से वो सच नहीं हो जाता। शिवानी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे जैसे दिखने वाला कोई और था, उसी ने नाग माता को मारने की कोशिश की होगी। तो फिर तुम्हारे हाथ की घड़ी और गले की चेन वहाँ पर कैसे पहुँची, बताओ? शिवानी मेरा हमशक्ल मुझे देखकर भाग रहा था, तब मेरे और उसके बीच फाइट हुई थी, उस समय चीजें गिर गई होंगी। पहले तुमने कहा कि तुम्हारे हमशक्ल को तुमने बस देखा, अब बोल रहे हो कि तुम दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। कितने झूठे हो तुम। शिवानी प्लीज समझने की कोशिश करो। ऐसी कहानियों पर मैं विश्वास नहीं करूंगी। मंदिर से निकलने से पहले तक तो सब तुम्हारे पास ही था, और बाद में वो सब तुमसे खो गया, और अब बोल रहे हो कि तुम्हारा कोई हमशक्ल है ना? अगर ये सच था तो पहले क्यों नहीं बताया? अब फंस गए हो तो कहानियां बना रहे हो। लेकिन शिवानी 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 प्लीज।